दोस्तों अगर मैं आपको दो ऑप्शन दूं कि किसी एक लिंक पे आपको क्लिक करना है तो आप कौन से लिंक पे क्लिक करोगे, जाहिर सी बात है कि आप नीचे वाले लिंक पे क्लिक करोगे जो कि एक छोटा लिंक है जो कि देखने में भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, और ऊपर वाला जो लिंक है वो थोड़ा सा सस्पिशियस लग रहा है, हो सकता है कोई स्पैम लिंक हो। दोस्तों आपने देखा होगा कि बहुत सारे वेबसाइट्स के लिंक होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं और उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उनको जो है छोटा कर दिया जाता है और वो ऐसे हो जाते हैं बिल्कुल छोटे और जो कि देखने में भी काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो किसी भी लिंक को शॉर्ट करने के लिए लिंक शॉर्टनर का इस्तेमाल होता है। अब इसको क्यों करते हैं, क्या बेनिफिट होते हैं, वो सारा कुछ इस वीडियो में आपको मैं कंप्लीट बताने वाला हूं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बिकॉज मैं आप लोगों के लिए ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ बनाता रहता हूं। और साथ के साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, बिकॉज वहां पे भी मैं काफ़ी ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड कराता हूं। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि जो बड़े URL होते हैं उनको शॉर्ट करने के लिए URL शॉर्टनर का इस्तेमाल किया जाता है। अब इंटरनेट पे आपको बहुत सारे फ्री URL शॉर्टनर मिल जाएंगे, जिनमें से कुछ फेमस जो URL वेबसाइट्स हैं वो आपकी स्क्रीन पे अभी आपको शो हो रही हैं, तो इनमें से आप किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको आज बिटली का इस्तेमाल करके दिखाने वाला हूं और आपको बेनिफिट भी बताऊंगा कि इसके क्या बेनिफिट होते हैं। सबसे पहला बेनिफिट तो आपको मालूम चले गया होगा कि ये एक छोटा लिंक बन जाता है जो कि देखने में काफ़ी अच्छा लगता है और लोग इस पर ट्रस्ट भी करते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज भी इसका इस्तेमाल करती हैं और बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर भी इसका इस्तेमाल करते हैं। और दूसरा जो फ़ायदा होता है वो ये होता है कि आप अपने लिंक को ट्रैक कर सकते हो। तो चलिए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और मैं आपको दिखाता हूँ कि आप कैसे लिंक क्रिएट कर सकते हो और कैसे इसका जो बेनिफिट होता है आप कैसे ट्रैक कर सकते हो कि आपका लिंक कितने लोगों ने ओपन किया है, कितने लोगों ने क्लिक किया है और कहाँ से क्लिक किया है। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि मैं bitly.com पे आ चुका हूँ और इसके अंदर आपको ये पेज मिल जाता है, यहाँ से आप डायरेक्टली बिना अकाउंट बनाए ही अपना लिंक जो है वो शॉर्ट कर सकते हो। लेकिन मैं आपको बोलूँगा कि अपनी अकाउंट क्रिएट कर लें, उसके बाद आप अपने लिंक को ट्रैक भी कर सकते हैं जो कि बिल्कुल फ्री है। तो आपको यहाँ पे गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है और अपना फ्री अकाउंट क्रिएट कर लेना है। हालांकि यहाँ पे पेड अकाउंट भी है, बेसिक वर्जन जो है $29 का, लेकिन हमारा काम फ्री से ही चल जाएगा तो हमें यहाँ पे साइन अप कर लेना है। तो आप साइन अप अपनी गूगल की ID से ही कर सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि इसका एंड्रॉयड एप्लीकेशन भी अवेलेबल है, आप अपने मोबाइल में भी इसका यूज़ कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी अकाउंट क्रिएट कर रखा है, अब मैं लेकर के चलता हूँ आपको अपने अकाउंट पे और मैं दिखाता हूँ कि मेरे जो पुराने लिंक हैं जो मैंने क्रिएट कर रखे हैं उनको मैं ट्रैक कैसे करता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हो ये एक लिंक है जो कि प्ले स्टोर का लिंक है, मैंने ये लिंक अपने सोशल मीडिया पे और अपने यूट्यूब पे शेयर किया था। अब आप देख सकते हो कि ये वैसे तो एक बड़ा लिंक है, आप देख सकते हो ये वाला, लेकिन जो मैंने क्रिएट किया था वो ये लिंक था छोटा वाला और मैंने यही लिंक शेयर किया था। अब मैं इसको ट्रैक भी कर सकता हूँ, जैसे कि अभी तक इसके ऊपर 1495 यानी कि 1495 टोटल क्लिक्स आ चुके हैं और कौन सी डेट में कितने क्लिक आए हैं वो भी यहाँ पे मेंशन है। तो इसके अंदर फ्री अकाउंट के अंदर पुराने 30 दिन का रिकॉर्ड रहता है, 30 दिन के अंदर आपके जो भी क्लिक्स होंगे वो यहाँ पे मेंशन होंगे और हो सकता है पेड वर्जन के अंदर पूरा ऑल टाइम क्लिक्स आपको देखने को मिल जाते हैं। और जैसे ही आप नीचे चलेंगे तो आपको यहाँ पे रेफरेंसेस भी देखने को मिल जाएंगे कि इस लिंक पर कहाँ से क्लिक हुए हैं, यानी कि किस प्लेटफॉर्म से आपके लिंक पर क्लिक किए गए हैं। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे 1495 लिंक क्लिक्स हैं और नीचे की तरफ जाता हूँ तो instagram.com से ही 1300 क्लिक हुए हैं, बाकी के जो 150 क्लिक हुए हैं वो हुए हैं ईमेल से या फिर डायरेक्ट। जैसे कि मैं ईमेल से भी शेयर करता हूँ तो ईमेल से भी 150 क्लिक हुए हैं और instagram.com से भी 1300 क्लिक हुए हैं। और इसके साथ साथ लोकेशन का भी पता लग पाता है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे इंडिया से ही मैक्सिमम क्लिक हुए हैं क्योंकि मैं इंडिया में ही शेयर करता हूँ। और यहाँ पे अभी तो इसी तरह से एक और लिंक देख लेते हैं जो कि मैंने क्रिएट किया था कुछ दिन पहले और उसके अंदर 1150 के लगभग क्लिक्स हैं। जैसे कि आप देख सकते हो ये YouTube वीडियो का लिंक है और अगर मैं इसके रेफरेंसेस देखूं या फिर लोकेशन देखूं तो आप देख सकते हो कि YouTube से ही इसके अंदर 1000 से ज़्यादा क्लिक हुए हैं और Instagram पे इसके 40 क्लिक्स हुए हैं। तो मुझे इससे आइडिया मिल जाता है कि मैं जो लिंक शेयर कर रहा हूँ कहाँ की ऑडियंस जो है मेरे लिंक पे क्लिक कर रही है, यानी कि मैं ट्रैक कर सकता हूँ कि इस पे YouTube से क्लिक आ रहे हैं, WhatsApp से आ रहे हैं या फिर Instagram से आ रहे हैं। और लोकेशन भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे इंडिया से 895 क्लिक आए हैं, यूनाइटेड स्टेट्स से भी 29 क्लिक्स आए हैं। तो यहाँ पे मुझे लोकेशन भी पता लग जाती है और प्लेटफॉर्म भी पता लग जाते हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ फटाफट से कि इसमें लिंक क्रिएट कैसे किया जाता है। तो ऐसे ही रैंडम एक लिंक मैं आपको छोटा करके दिखाता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हो ये एक फ़ोटो है, फेसबुक पे रैंडम मैंने फ़ोटो ली है और इसका लिंक आप देख सकते हो कि कितना बड़ा है। अब मैं इस लिंक को कॉपी कर लेता हूँ और अगर मैं ये लिंक किसी के साथ शेयर करता हूँ तो मुझे अच्छा लगेगा और मैं इसको ट्रैक भी करना चाहता हूँ। तो मैं bitly.com पे आऊँगा और यहाँ पे ऊपर क्रिएट पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे मुझे बस वो लिंक पेस्ट करना है, जैसे कि आप देख सकते हो मैंने जो लिंक कॉपी किया था, और ऑटोमेटिकली हमारा जो वो लिंक है वो छोटा हो जाएगा यानी कि शॉर्ट हो जाएगा। उसके बाद हमें यहाँ पे इसको सेव करना है, तो अपनी याद के लिए मैं इसको कोई भी टाइटल दे सकता हूँ, जैसे कि मैं इसको FB दे देता हूँ, FB लिंक।
ठीक है। और इसके बाद मैं यहाँ से इसको सेव कर देता हूँ, और ये वाला जो लिंक है मैं यहाँ से कॉपी करके, अब आप देख सकते हो कि मैं इसको दोबारा से ओपन करूँगा, तो मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और आप देख सकते हो कि वो लिंक जो है वो छोटा लिंक हो चुका है, यानी कि शॉर्ट हो चुका है। अब इसको हम क्लिक करते हैं, एंटर करते हैं, तो वही पेज खुल जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हो जो मैंने अभी फ़ोटो कॉपी की थी, तो वही पेज खुल गया, तो उसने वहीं पर उसको रीडायरेक्ट कर दिया। तो अब हम वापस से जाएंगे अपने बिटली में और देखेंगे कि उसमें आया कि नहीं आया कि एक क्लिक हुआ है। तो जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे आ चुका है कि वन क्लिक हो चुका है, जो कि मैंने खुद ही किया है, और वो क्लिक जो है वो डायरेक्ट हुआ है, यानी कि ईमेल, एसएमएस या डायरेक्ट, उन तीनों का एक ही दिखाता है। तो हमने ये डायरेक्ट वाला किया था, तो हमें मालूम चल गया कि हमने डायरेक्ट लिंक पे क्लिक किया था। तो इसी तरह से अगर ये लिंक पे कोई इंस्टाग्राम यूट्यूब से क्लिक करेगा तो वो यहाँ पे मेंशन होगा और लोकेशन भी आ जाएगी। तो देखा आपने कि किस तरह से आप बिटली का इस्तेमाल करके अपने लिंक को शॉर्ट कर सकते हो, और उसको एट द सेम टाइम आप ट्रैक भी कर सकते हो कि कहाँ से क्लिक आ रहे हैं, कितने क्लिक आ रहे हैं। और मुझे लगता है कि फ्री वर्जन है, हर किसी को इस्तेमाल करना ही चाहिए। बड़ी बड़ी कंपनीज इसका इस्तेमाल करती हैं और इन्फ्लुएंसर्स भी इसका इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आप भी किसी के साथ लिंक शेयर करते हो या इन्फ्लुएंसर हो तो आप बिटली का इस्तेमाल कर सकते हो, जिससे कि आप अपने लिंक को ट्रैक भी कर सकते हो। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा दूसरों के साथ, ताकि उनको भी नॉलेज मिल सके। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बिकॉज आगे भी आपको ऐसी ही नॉलेज वाली वीडियोस हमारे चैनल पर देखने को मिलती रहेंगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।